टाइम हो चुका है 11:36। ओह भाई साहब, आज पता नहीं कहाँ तक जा पाएंगे। और लेट्स सी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है एंड द वेदर इज़ बिट रिस्की। अब कहाँ तक जा सकते हैं हम लोगों को, बस वो देखना है। जैम लगा, फिर मैं निकलता हूँ आगे, इधर साइड में कर लेता हूँ, आराम से इजी खड़ी रहेगी। बट ये यहाँ पे ट्रैफिक में एक ही जगह जाने का है, इसकी वजह से जाम लग गया है। क्या यार ये, तो यहाँ का कुछ ऐसा सीन है कि ये वाले ब्रिज से एक ही गाड़ी आ सकती है और एक ही गाड़ी जा सकती है, और उधर से गाड़ियाँ आई जा रही थी और जगह बच नहीं रही थी, ट्रैफिक जाम लग गया। सुबह सुबह सबसे बेकार चीज़ होती है। हाँ चलो अपन भी निकलते हैं। और ये देखो भाई, हम लोग जिस दिन थोड़े टाइम पहले आए थे, बहुत कम था पानी, बट यही है कि बारिश में पानी बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा। और अभी अपने को यहाँ से ले रहे हैं राइट, फ्यूल रेंज दिखा रहा है 203, तो यहाँ से अभी निकलते हैं, फ्यूलिंग कराते हैं, देन उसके बाद हम लोग मंडी के लिए निकल जाएंगे। अब देखना ये है कि अपने को पहाड़ी वाला रास्ता लेना पड़ेगा या फिर जो हाईवे है उससे काम बन जाएगा, क्योंकि हाईवे का ऐसा सीन है कि पंडोह से होके जाता है, और अगर वो लैंडस्लाइड वाला सीन रहा वहाँ पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। गाइस, हम लोगों को लोग ना फुद्दू समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, सिर्फ क्लाउडी है, और हम लोग रेन कवर पूरा, रेन जैकेट सब पहन के 11:30 बजे निकल रहे हैं। पूरा इंतज़ाम है लेट पहुँचने का, लेट नाइट राइड करने का। लेट्स सी क्या होता है आगे, कैसा कैसा दिन मिलता है। बाकी के पिछले दिन तो लद्दाख राइड के, अरे यहाँ से भरवाएं, उड़वा लेते इधर से। पेट्रोल का प्राइस है यहाँ पे 99, क्या बात है। तो गाइस अभी हम लोग मनाली सिटी क्रॉस कर चुके हैं, एंड यहाँ से स्ट्रेट वाला रास्ता चंडीगढ़, शिमला, बिलासपुर, पाटली, कुल ये सारी जगह पड़ेंगी आगे। हम लोगों को पंडो वाला रास्ता देना क्योंकि वो हाईवे है, और हम लोगों को IIT मंडी क्रॉस करके नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश वारिश का बहुत ज़्यादा सीन है, एंड ये सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं लैंडस्लाइड के, वैसे तो कहीं पर भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बट लेट्स सी, अगर अपने को स्टेट वाला हाईवे मिल जाता है देन वी विल बी एबल टू कवर द डिस्टेंस ईजीली। तो हम लोग चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे शाम के 5-6 बजे, एंड वहां से पानीपत हम लोगों को खींचने में, मतलब सोनीपत खींचने में हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दैट इज़ द प्लान फॉर टुडे। लुक एट द अमेजिंग व्यू मैन, क्या क्लाउडी मौसम हो रखा है, और वो मौसम इतना सही लग रहा है अभी, थोड़ा सा और पहले निकले होते तो मज़ा आ जाता, मतलब हम लोग टाइमली भी पहुँच पाते और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अभी ऐसा है कि अपने को आधा डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा रात में कवर करना पड़ेगा। अभी हम लोग मतलब ब्रिज क्रॉस करके हम लोग इस साइड आ चुके हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में अपने को उस साइड में दिख रही होगी अपने को कुल्लू सिटी। यही वाला हाईवे कंटिन्यू हुआ है हिल मंडी और उसके आगे भी, ये वाला राइट साइड में जितना भी पूरा दिख रहा है वो है कुल्लू सिटी। पता है मतलब धूल मिट्टी ज़्यादा बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी ना, पर ऐसे कोई चक्कर नहीं है, तो जा सकते हो आराम से। तो यहाँ पे हम लोगों को दो डाइवर्जन पड़ते हैं, एक होता है जो पहाड़ी क्रॉस करने के बाद में अपने को मंडी लेके जाता है, और एक है जो हाईवे है, थोड़ा सा रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है बट धूल मिट्टी ज़्यादा है, बट दैट्स फाइन क्योंकि टाइम सेम ही लगेगा। बस यहाँ पे ये है कि अपन लोग रिवर के आसपास में चलते रहेंगे तो क्रॉस नहीं करना पड़ेगा कुछ ज़्यादा पहाड़ी, तो ईजिली पहुँच जाएँगे, वरना ऊपर वाले में बहुत ज़्यादा स्पीड स्लो हो जाती है और देख के चलाना पड़ता है। अभी हम लोगों का ऐसा सीन है कि हम लोग मेन जो हाईवे है दूसरा वाला, जो अपने को IIT मंडी के थ्रू नहीं लेके जाता है और यहाँ के थ्रू लेके जाता है, मतलब ये हाईवे है पंडोह के थ्रू जाता है, यहाँ पे बस यही है कि धूल मिट्टी ज़्यादा है, जैसे कि आप लोग देख ही गया होगा एग्जाम्पल आगे, बट दिस इज़ नथिंग फॉर अस, वी हैव क्रॉस सर्चू। यहाँ पे थोड़ा सा रोड ख़राब है और कीचड़ वीचड़ है क्योंकि बारिश हो चुका है। डिफ़िकल्ट रोड्स लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, और आगे देखो क्या मस्त लग रहा है। ये वाला एक बार प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो अल्टीमेट वाले फीलिंग आ जाएगी, मतलब मस्त एकदम। देखो 2 और 2 4 लेन हाईवे बन रहा है,
यहाँ पे अपने को पड़ जाती है एक टनल, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यू आर गोइंग टू एंटर दैट 3 किलोमीटर लॉन्ग। और ये जो टनल है ये है 3 किलोमीटर लंबी। वाइजर खोल देते हैं ताकि अपने को दिखे क्योंकि अंधेरा बड़ा है। ये वैसे 3 किलोमीटर लंबा टनल है तो काफ़ी, एक मतलब ऑलमोस्ट एक पहाड़ी क्रॉस करा रहा है अपने को। एक्सेस टनल टू गेट गैलरी के जो भी लिखा है, बट अमेजिंग यार, मतलब अच्छा काम है। अभी थोड़ी सी मेंटेनेंस चल रही है टनल की, होपफुली जल्दी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि थोड़ा बहुत यूज़ में है और अभी थोड़ा टाइम और लगेगा इसको मेंटेन करके बराबर से बनाने में। ये देखो ये सारचू पार्ट 2 है, बट यहाँ पे मतलब वाइट मिट्टी चल रही है यहाँ पे, सारचू पार्ट 2। और ये सारचू पार्ट 2 अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस करना है तो आपको आना पड़ेगा पंडो वाले रूट पे। क्या धूल उड़ा रहे भाई, ऐसी धूल उड़ रही है। एक बार जब ये बन जाएगा तो ऊपर वाला रास्ता आ जाएगा और ऊपर से उधर टनल क्रॉस कराई गई है कैसे करके तो आई डोंट नो। फिर से कीचड़, नहीं नहीं एडवेंचर मत करो, आगे गड्ढा है आगे रास्ता नहीं है। अच्छा है वो वन वे है। ओ माय गॉड, कीचड़ कीचड़, बहुत कीचड़ है। फाइनली मड वाला रास्ता क्रॉस कर लिया, देखो जूते का क्या हाल हुआ भाई साहब। तो दोस्तों बात है ऐसा कि हम लोगों को खर्चना पड़ेगा पैसा, थोड़ा सा आगे जाके रुकेंगे चंडीगढ़ के और वहाँ पे हम लोग सोनीपत में मोस्ट प्रोबेबली रुकने वाले हैं आज शाम में अगर टाइमली पहुँच गए तो। वहाँ से जो मंडी है वो रह गया है कुछ 13 किलोमीटर, आई मीन 13 किलोमीटर्स, और 13 किलोमीटर्स के बाद में अपने को अच्छी रोड मिलना चाहिए। हम लोगों ने एक्चुअली मेन रूट ये था कि ये वाला रोड इसलिए लिया क्योंकि ऊपर वाले में देख सकते हो आप कितना बादल है, तो एक तो रोड भी नहीं दिखेगा और ऊपर से मेन प्रॉब्लम ये रहेगा कि अपने को रास्ता है वो भी थोड़ा सा गीला मिलेगा, तो हम लोग इसलिए ये नीचे वाला रास्ता लेके आए हैं जो कि स्टिल बेटर है कंपेयरिंग टू ऊपर वाला। बारिश की बूंदें पड़ी, ये देखो यहाँ पे जैसे है ना, ये यहाँ से पत्थर वत्थर गिरता रहता है, अभी बारिश की बूंदें अपनी पर पड़ने लग गई हैं। अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग एंटर कर गए हैं मंडी, और मंडी से आगे हम लोगों को रास्ता आई जस्ट होप सही मिले क्योंकि हम लोग ये जो रास्ता मेन वाला जो हाईवे ज्वाइन करके आए हैं, मतलब नाम का हाईवे था, वैसे तो हाईवे था नहीं, बट ये वाला रास्ता हम लोगों को मंडी क्रॉस कराता है आगे, तो ये वाला मेन मंडी आ चुका है। अपने को यहाँ से स्ट्रेट जाके लेफ्ट हो जाना है और हम लोग ज्वाइन कर जाएंगे मंडी के बाहर वाला रास्ता। यहाँ से क्रॉस करते हैं, काफ़ी ट्रैफिक हो गया एक्चुअली, हम लोग पीक आवर्स में पहुँच रहे हैं, 3:26 हो रखा है। सो गाइज अभी कुछ नज़ारा इस तरीके सा है, हम लोग सुंदरनगर क्रॉस कर चुके हैं और अभी धीरे धीरे चढ़ाई आएगी बिलासपुर की। मोस्ट प्रोबेबली बिलासपुर पे अपने को मिलने वाले हैं क्लाउड्स, तो लेट्स सी आज कहाँ तक स्ट्रेच कर पाते हैं। कल वाले व्लॉग में आप लोगों को पता लग जाएगा कि हम लोग कहाँ पहुँचे हैं क्योंकि हम लोगों का जनरली व्लॉग ऐसे ही चल रहा है कि जहाँ पे भी पहुँच रहे हैं हम लोग मॉर्निंग में बता दे रहे हैं। इस आदमी ने कितनी मेहनत की है, सूजी ब्राइजर्स, वैसे इसुजु की गाड़ी है बट इसने कोई सी भी ब्रांडिंग ऐसी नहीं दी जिसने छोड़ी ना, सब ब्रांडिंग कर दी है। और यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम का नाम बड़ा बढ़िया लगा है, ट्रैवलिंग ऑन EMIs। मुझे इसुजु को लेके EMIs तो देनी पड़ेगी भाई। वैसे यहाँ से दिखा रहा है दारला घाट 36। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं चंडीगढ़ और आज का राइड यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो गया एंड हम लोगों को मतलब बद्दी के आसपास में इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम मिला, मतलब ट्रक्स ही ट्रक्स, तो बिल्कुल वॉट लग गई है। तो आज मैं क्या करूँगा, अपने घर जाऊँगा, वहाँ पे फ्रेश होंगे, कल नए दिन के साथ में नया सब राइड शुरू करेंगे। और अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया तो डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इसी के साथ और बाकी जितनी भी फोटोज़ हैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिलती रहेंगी, माई इंस्टाग्राम आईडी इज़ विकेट राइडर ऑफिशियल। सो दिस इज़ विकेट राइडर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।